हेलो गाइस, मैं हूं दिनेश और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल दी हेल्दी वे में। दोस्तों, सबसे पहले आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद चैनल को इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए। और आपको मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगा अपनी हेयर रीग्रो जर्नी वाली वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप ऊपर कार्ड पे क्लिक करके वो वीडियो को इजीली देख सकते हैं। और दोस्तों, साथ ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन भी आ रहे थे कि यार ये जो बाल है हमें क्या ये सच में इफेक्ट करता है, और अगर करता है तो क्या सही तरीका है इसको करने का, और कब इसे करना चाहिए, मतलब अपने लाइफ रूटीन में इसको किस तरह से ऐड किया जाए कि इससे सबसे बेस्ट इफेक्ट्स आपको मिल सके। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज का जो ये वीडियो है टोटली बेस्ड है बालायम के ऊपर, जिसे हम नेल रबिंग एक्सरसाइज भी कहते हैं। तो और समय न जाया करते हुए चलते हैं सीधे वीडियो पे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ये बालायम, जिसे हम नेल रबिंग एक्सरसाइज भी कहते हैं, क्या ये सीरियसली इफेक्टिव है या नहीं। तो अगर दोस्तों मैं आपको अपना केस बताऊं, जब मुझे स्टार्टिंग में हेयर फॉल होना स्टार्ट हुआ, मुझे किसी ने बोला कि यार बालायम करो, बालायम करने से बाल आएंगे। मैं लोगों को देखता था, लोग नाखून रगड़ते थे तो मैं उनका मजाक उड़ाता था कि यार इससे कैसे बाल आ सकते हैं, इससे कोई बाल नहीं आने वाले, ये मजाक है। तो सीरियसली जब मेरी कंडीशन और बेकार होती गई, मेरे बाल ज्यादा झड़ने लगे, मैं जब भी बालों पे हाथ यूं फेरता था तो मेरे को हर बार 6 से 7 बाल मेरे हाथों में दिखते थे। तो तब मुझे मेरे एक क्लोज फ्रेंड ने रिकमेंड किया कि यार बालायम को एक बार एक ट्राई जरूर दे, 1 महीने के लिए इसे ट्राई कर। तो सीरियसली मैंने इसको 1 महीने तक ट्राई किया एंड इसके जो इफेक्ट्स थे वो बहुत ही बढ़िया थे। बट यार बालायम के साथ आपको 2 चीजें लेकर जरूर चलनी होगी। पहला है पेशेंस। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बालायम आपने 1 महीने तक किया और आपके बाल आना चालू हो गए। कम से कम 6 से 7 महीने का टाइम लग सकता है आपको रिजल्ट मिलने में, बट जो आपको रिजल्ट मिलेंगे वो 100% नेचुरल होंगे, किसी भी टाइप का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। और दूसरा, कंसिस्टेंसी। दोस्तों, आपको लगातार रहना है, ये नहीं कि आपने हफ्ते में 4 दिन किया फिर 2 दिन छोड़ दिया। अगर आप इसको लगातार 6 महीने करेंगे तभी आपको इसके बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि बालायम को करना कैसे है। सबसे बड़ी कंफ्यूजन हर किसी के सामने यही होती है कि यार इसको करना कैसे है, मतलब बेस्ट तरीका क्या है इसे करने का जिसकी वजह से हमें इसके बेस्ट रिजल्ट मिले। तो आपको मैं यहाँ पे एक चीज बता दूं कि अगर आप नेल्स के टॉप को रब करते हैं, मतलब अगर आप दोनों हाथों के नेल्स के टॉप को रब करते हैं तो आपको सर पे बाल आए या ना आए, बट बॉडी के अलग पार्ट्स में बाल जरूर आ सकते हैं, जैसे आपके शोल्डर्स हो गए, आपके हाथ हो गए, आपके फिंगर्स हो गए, तो इन पे बाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए आपको नेल टॉप को रब नहीं करना है, ये तरीका बेकार है। दूसरा तरीका, लोग क्या करते हैं कि एक हाथ के नेल टॉप को लेते हैं, एक हाथ के नेल रूट को लेते हैं, दोनों को यूं रब करते रहते हैं। तो दोस्तों, ये नेल रूट रब रब कर रहे हो सही है, आपके सर पे बाल आएंगे, बट दूसरे हाथ का आप नेल टॉप रब कर रहे हो, इससे होगा क्या कि आपकी बॉडी के बाकी पोर्शंस में भी बाल आ सकते हैं, शोल्डर्स पे, चेस्ट पे ज्यादा बाल आ जाएंगे, हाथों पे ज्यादा बाल आ जाएंगे, तो ये तरीका भी इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। तीसरा तरीका, लोग कहते हैं कि नेल रूट्स को रब करो। तो दोस्तों, नेल रूट्स को जब आप रब करने की कोशिश करोगे तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो हमारी नेल रूट्स कभी मिलती ही नहीं है, मतलब अगर हम उनको रब करने की कोशिश करें या तो हमारा नेल टॉप रब होगा या फिर नेल रूट के ऊपर वाली स्किन रब होगी, बाकी नेल रूट कभी रब होती नहीं है। ये जो तरीका है विदाउट एनी इफेक्ट है, ये आप अप्लाई कर ही नहीं सकते। तो यार मेरे सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज था कि यार ऐसे में इसे करे कैसे। तो यार अगर मैं अपने केस की बात बताऊं तो मैंने जो ये नेल रूट होता है इसके ऊपर जो स्किन होती है, मैंने इसे रब किया, जहाँ पे हमारी फिंगर का पहला बैंड होता है इसके ऊपर जो स्किन होती है, दोनों हाथों पे इस स्किन को रब किया और इसको हमें तेज तेज करना है, स्लो नहीं करना है, आवाज आनी चाहिए। मैंने इसको इस तरह से किया और मुझे इससे सीरियसली बेनिफिट भी हुआ। तो गाइस, अब बात करते हैं इसको करने का सबसे सही समय। तो यार इसको करने का सही समय मॉर्निंग में उठने के बाद है। मॉर्निंग में उठने के बाद आप 2 से 3 गिलास पानी पीजिए, उसके बाद आप इसको 15 मिनट तक परफॉर्म कीजिए, लगातार 15 मिनट तक करना है आपको, ये नहीं कि आपने 2 मिनट किया फिर छोड़ दिया, आपको कंटिन्यूसली इसको 15 मिनट तक रब करना है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि यार इसको खाना खाने के बाद ना करें, क्योंकि खाना खाने के बाद जो हमारी बॉडी की पूरी एनर्जी होती है वो हमारे डाइजेशन में लग जाती है, तो इसलिए इसको खाना खाने के बाद ना करें। मतलब खाना खाने के 2 घंटे तक का गैप जरूर रखें और खाना खाने से 1 घंटे पहले का गैप जरूर रखें। जहाँ तक मेरे रूटीन की बात करें तो मैं इसको मॉर्निंग में उठने के बाद 15 मिनट करता हूँ और इवनिंग में चाय के बदले ग्रीन टी पीता हूँ और ग्रीन टी के बाद इसको 15 मिनट करता हूँ। पर यहाँ पे मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो ऑयली और जंक फूड खाने से टोटली बचें। बेसिकली बाल उगाना एक पौधे को उगाने के जैसे ही है, आपको केवल बीज डाल के नहीं चला जाना है, आपको बीज डालने के बाद उसको पानी देना है, उसको प्रॉपर धूप देनी है, तब जाके वो पौधा ग्रो कर। इसी टाइप से बालायम के साथ साथ आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है, आपको अपना डेली रूटीन सही रखना है, ऑयली खाने से बचना है। दोस्तों, बालायम सीरियसली बहुत इफेक्टिव है अगर आप इसको सही तरीके से और सही टाइमिंग से अपने डेली रूटीन में ऐड करते हैं। तो यार ये था वीडियो बालायम के ऊपर, आई होप ये आपको आपके हेयर रीग्रो करने में बहुत हेल्प करेगा। इसमें मैं आपको जाते हुए यही बोलूंगा कि पेशेंस जरूर रखें और कंसिस्टेंट जरूर रहें। अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो ये दोनों चीजें आपको साथ में लेकर जरूर चलनी है। दोस्तों, तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए हेल्दी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बी ऑन द हेल्दी वे गाइस।
Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be.